हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भृंगराज ऑयल कैसे बनता है जानेंगे। भृंगराज तेल आपके बालों का गिरना बंद करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनाता है। जिन लोगों के बाल बहुत ही फ्रिजी होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे तेल है। ये तेल बालों को भूरा होने से बचाता है, डैंड्रफ को भी कम करता है, गंजेपन को दूर करता है और आपके स्काल्प को मॉइस्चराइज भी करता है। भृंगराज तेल में बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसलिए इसको आयुर्वेदिक में भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये तेल अस्थमा, नींद न आना, मेंटल इलनेस और हेडेक जैसी बीमारियों को भी ट्रीट करता है। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तेल को बनाने के लिए पहले हम लोग भृंगराज के पत्तों को तोड़ लेंगे। अगर आप फूलों को भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली 2 कप पत्तियाँ यूज़ कर रही हूँ। अब इन पत्तियों को हम लोग पानी में डाल देंगे और अच्छी तरह से भिगो के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। भृंगराज के पौधों में बहुत सारे मिट्टी होते हैं जो पानी में डालने से नीचे बैठ जाएंगे। भृंगराज के पत्ते आपको मार्केट में 2 टाइप के मिलेंगे, एक में येलो फूल होगा और एक में वाइट फूल। आपको जो भी मिले आप उसको इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अब 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं जितने भी डस्ट और डर्ट थे वो नीचे बैठ गए हैं। मेरे पौधे पहले से ही साफ थे इसलिए आपको मिट्टी कम नज़र आ रहे हैं। अब इन पत्तियों को हम लोग अच्छे से छान के एक स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसके बाद हम लोग इन पत्तियों को एक मिक्सी जार में लेके थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। ध्यान रखिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए अब हमारा पेस्ट बनके रेडी है। इसको ऐसे ही दरदरा पीसेंगे, पूरा प्लेन नहीं बनाएंगे। अब हम इस पेस्ट को एक प्लेट में निकाल रहे हैं, बाकी सारे पत्तियों को ही ऐसे ही पीस लीजिए। अब एक लोहे के कढ़ाई या बर्तन में हम लोग 2 कप सिसम ऑयल लेंगे, वर्जिन सिसम ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। सिसम ऑयल जिसे हम लोग तिल का तेल भी बोलते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम लोग धीरे से बनाया हुआ भृंगराज का पेस्ट इस तेल में डालेंगे और इमीडिएटली कढ़ाई को कवर कर देंगे। इस तेल को बनाने के लिए आप एक बड़ा सा कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा सबसे छोटा कढ़ाई है जो मैं सिर्फ हेयर ऑयल बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। 2-3 मिनट के बाद हम लोग ढक्कन खोलेंगे, एक स्पून की हेल्प से हम लोग सारा पेस्ट और ऑयल को मिक्स कर देंगे। अब हम लोग ढक्कन फिर से लगाएंगे और 5-10 मिनट इसको पकने देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, तेल का कलर भी लगभग ग्रीन हो गया है, पेस्ट का भी कलर चेंज हो गया है। अब हम लोग गैस को कर देंगे बंद और रात भर ऐसे ही इसको रहने देंगे। अगले दिन सुबह ये तेल छानने के लिए रेडी है। अब एक पतला कपड़ा या फिर एक स्ट्रेनर की हेल्प से इस तेल को छान सकते हैं। इस तेल को छानने के लिए एक पतला कपड़ा के ऊपर इस पेस्ट को रखिए और एक चम्मच के हेल्प से इसको प्रेस करते जाइए ताकि सारा तेल नीचे चला आए और पेस्ट सारा ऊपर रह जाए। अब इस तरह से भी कपड़े के अंदर पेस्ट को डाल के कपड़े को स्क्वीच कर करके तेल निकाल सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहती है। अब यह तेल स्टोर करने के लिए रेडी है। एक ग्लास बॉटल में आप इसको 1 साल तक स्टोर कर सकती है। अब आइए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। एक कॉटन बॉल के हेल्प से अब बालों के जड़ों पे इस तेल को लगा लीजिए, अच्छे से मसाज करके रात भर छोड़ दीजिए। सुबह आप शैम्पू के हेल्प से बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए और कंडीशनर लगा लीजिए। एक ही इस्तेमाल में आपको इसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास भृंगराज के फ्रेश पत्ते नहीं हैं, जो ड्राई पाउडर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को यूज़ करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।